देवेंद्र जी, जननायक जनता पार्टी राजस्थान की सत्ता की चाबी लेने गई है, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, क्योंकि हरियाणा की उनकी दुकान पे ताला लग गया। हरियाणा में जेजेपी की दुकान पे ताला लग गया, ताला लगा के उनको चाबी दे दी कि भाई तो अब जाओ, ये ताला खुलने नहीं वाला है। तो वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान में ढूंढ रहे हैं कि भाई वो चाबी कहाँ फिट होगी। किसी के घर में, किसी की घुरेली में, कहीं कितने वो ताली, मगर वो ताली तो ताली तो खराब होली, वो इनकी चाबी खराब होली, इनकी चाबी से कोई ताला खुलने नहीं वाला। ये इनकी दुकान यहाँ भी बंद हो गई हरियाणा में भी, इनकी दुकान निश्चित तौर से राजस्थान में भी इनकी दुकान खुलेगी नहीं। जो है लोग बड़े समझदार हैं, आज के दिन सोशल मीडिया का जमाना है, राजस्थान वालों ने तो पहले ही समझ लिया यार ये इस तरह के लोग हैं, इनको राजस्थान में एंट्री मत दो। मेरा तो आज भी मानना है कि जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही थी सीकर की रैली में कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, वो चाबी राजस्थान विधानसभा का ताला। सर, इस तरह की बातें की गई कि हरियाणा छोड़ के राजस्थान की तरफ बीजेपी, चौधरी देवीलाल जी कभी हरियाणा राजस्थान में भेदभाव रखते थे? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो खुद दो बार वहाँ से विधायक बने, और जिन लोगों की ये सोच है, ये कहते हैं कि वहाँ छोड़ के चले गए, वो शायद खुद एक नया कदम रखने से डरते हैं। हमारे लिए तो शुरुआत है, 4 साल में पार्टी संगठन को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाइडेंस में 5 साल में हम इस मुकाम पर ले आए, और राजस्थान के अंदर भी पहला चुनाव पार्टी लड़ रही है, और पहले चुनाव में मैं मानता हूँ कि हमारे अच्छी मात्रा में विधायक चुनकर आए। देवेंद्र जी, जननायक जनता पार्टी राजस्थान की सत्ता की चाबी लेने गई है, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, क्योंकि हरियाणा की उनकी दुकान पे ताला लग गया। हरियाणा में जेजेपी की दुकान पे ताला लग गया, ताला लगा के उनको चाबी दे दी कि भाई तो अब जाओ, ये ताला खुलने नहीं वाला है। तो वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान में ढूंढ रहे हैं कि भाई वो चाबी कहाँ फिट होगी। किसी के घर में, किसी की घुरेली में, कहीं कितने वो ताली, मगर वो ताली तो ताली तो खराब होली, वो इनकी चाबी खराब होली, इनकी चाबी से कोई ताला खुलने नहीं वाला। ये इनकी दुकान यहाँ भी बंद हो गई हरियाणा में भी, इनकी दुकान निश्चित तौर से राजस्थान में भी इनकी दुकान खुलेगी नहीं। जो है लोग बड़े समझदार हैं, आज के दिन सोशल मीडिया का जमाना है, राजस्थान वालों ने तो पहले ही समझ लिया यार ये इस तरह के लोग हैं, इनको राजस्थान में एंट्री मत दो। मेरा तो आज भी मानना है कि जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही थी सीकर की रैली में कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, वो चाबी राजस्थान विधानसभा का ताला। सर, इस तरह की बातें की गई कि हरियाणा छोड़ के राजस्थान की तरफ बीजेपी, चौधरी देवीलाल जी कभी हरियाणा राजस्थान में भेदभाव रखते थे? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो खुद दो बार वहाँ से विधायक बने, और जिन लोगों की ये सोच है, ये कहते हैं कि वहाँ छोड़ के चले गए, वो शायद खुद एक नया कदम रखने से डरते हैं। हमारे लिए तो शुरुआत है, 4 साल में पार्टी संगठन को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाइडेंस में 5 साल में हम इस मुकाम पर ले आए, और राजस्थान के अंदर भी पहला चुनाव पार्टी लड़ रही है, और पहले चुनाव में मैं मानता हूँ कि हमारे अच्छी मात्रा में विधायक चुनकर आए।